रहा है और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज जीएन भारत। आपको बता दें कि मांडर जहां बंद पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी तिर्की जीत चुकी है, लेकिन लगता है कि मीडिया से बात करते समय जीत का जो नशा है थोड़ा ज्यादा ही चढ़ गया है। उन्होंने ये कहा कि बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री है उनके बारे में उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दे डाला। जब जीत की खुशी में जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कह डाला जो बंधु बाबूलाल मरांडी है वो भू माफिया के सरगना है, वो एक खुद में एक माफिया है। और जब उनकी मीटिंग होती है, रैली होती है, तो बड़े बड़े जो भू माफिया होते हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो भूमि संबंधित काम करते हैं, जो दलाल है, वो सब उनकी बैठक में शामिल होते हैं, वो सब उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि उन सबका जो बॉस है वो बाबूलाल मरांडी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही बंधु तिर्की ने यह भी कहा कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है, SC SC और आदिवासियों के हित की जो बात करती है, असल में ये आदिवासी हितैषी है ही नहीं, ये बस ढोंग करती है। क्योंकि आप अगर चले जाइए बाबूलाल मरांडी या फिर बीजेपी के किसी नेता के रैली में तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे भूमाफिया का जमावड़ा मिलेगा, वहां आम जनता बहुत कम होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि SC SC या फिर भूमि संशोधन बिल को लेकर मैंने ही सदन में बात उठाई, तभी जांच कमेटी बनी। आज पदोन्नति में जो लाभ मिल रहा है SC SC को वो मेरी वजह से मिल रहा है। भाजपा कभी भी सदन में आदिवासियों के हक के लिए आवाज नहीं उठाती है, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी विरोधी है। जमकर उन्होंने भाजपा को निशाना साधा। तो इसी पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बचाव करते हुए कहा और अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा बयान देना सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि उनके सर पर जीत का नशा चढ़ चुका है। आइए सुनते प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा। देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए और बंधु तिर्की तो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और किसी समय बाबूलाल मरांडी के पार्टी में भी थे। जब बाबूलाल मरांडी जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय तो ये उनके लिए विकास पुरुष थे, लेकिन आज वो उन्हें भू माफियाओं का सरगना कह रहे हैं। तो मुझे लगता है राजनीति में इतने जल्दी चरित्र बदलना उचित नहीं है, और अगर बंधु तिर्की में सच में दम है, हिम्मत है, तो उन सारे भू माफियाओं की लिस्ट को जारी करें जिसके बाबूलाल मरांडी को सरगना कह रहे हैं, और ऐसा नहीं तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जीत का खुमार इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं। बाबूलाल जी ना सिर्फ इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं बल्कि इस प्रदेश के सबसे टॉलेस्ट ट्राइबल लीडर के रूप में उनकी गिनती होती है। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है। देखिए, OIC ने हमें हरा दिया मंडल में। कांग्रेस ने बड़े स्ट्रेटेजिकली OIC को चुनाव के ठीक दो दिन पहले पदार्पण किया। OIC ने पूरे भड़काऊ भाषण देकर भाजपा के खिलाफ जो दो विशेष कम्युनिटीज थे उनके वोट को पोलराइज किया, और उसके अगले दिन एक धार्मिक स्थल से एक विशेष धर्म के लोगों को ये जारी किया जाने लगा कि भाई अब आप भाजपा को वोट मत दें, क्योंकि अगर आप भाजपा को वोट देंगे या अब किसी दूसरे दल को देंगे तो कांग्रेस हार जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी जाकर कुछ ऐसी ही बातें कही। तो जो OIC ने धार्मिक उन्माद फैलाया या धार्मिक वोटरों का कंसोलिडेशन कराया, जो फसल तैयार की उसको कांग्रेस काट के ले गई। तो जो लोगों का वोट हमें विकास के मुद्दे पे मिल रहा था, सरकार के वादा खिलाफी के मुद्दे पे भी, वो लास्ट मोमेंट में गड़बड़ा गया। तो शायद आज आपने मांडर जीत लिया, क्योंकि वहाँ कुछ सामाजिक समीकरण ऐसा है कि आपकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है वो पूरे राज्य में आपको देख रहा है। मांडर तो जीत लिया आपने, लेकिन पूरा राज्य हारेंगे। तो जैसा आपने सुना कि प्रतुल शाहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि जीत का नशा चढ़ा हुआ है, और ये जो बयान है ये बहुत निराशाजनक बयान है, ऐसा उनके मुंह से शोभा नहीं देता। खैर जो भी हो, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं बताता है कि थोड़ा सा जीत का नशा बंधु तिर्की पे थोड़ा शायद चढ़ गया हो। लेकिन ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।